ऐसे ही बैठे बैठे मैं हवा में लिखना ऐसे शुरू कर देती थी। कुरान पाक के साथ एक लगाव फील होता था, मैं बहुत ज्यादा पढ़ती थी। आर्टिस्ट को वही काम करना चाहिए जो वो दिल से करना चाहता है। मेरी एग्जीबिशन दुबई में भी हुई है, अमेरिका में भी हुई है, और रिसेंटली मैं जो यूरोप में 3 एग्जीबिशन की हैं और मास्टर क्लास भी की है। लिख रही थी तो लड़कियों को समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो इतना कनेक्ट कर रही थी ना मेरे लिखने से आर्ट के साथ, कि वो कह रही थी बस आप लिखती रहें हम देखते रहें, वो आर्ट को इतना पसंद करते हैं। ये 4 दफ़ा हम यहाँ पे लिखते हैं फिर ये इसकी ये लुक आती है, ठीक है। ये देखें बहुत बारीक, ये सारा ब्रशेज से लिखा जाता है। सबसे पहले कैनवस बनते हैं, उसके साइज बताती हूँ, इस साइज के मुझे कैनवस चाहिए। फिर वो कैनवस बन के आते हैं तो उसके ऊपर बेस तैयार की जाती है, उसके बाद उस पर बैकग्राउंड लगती है, कलर्स लगते हैं, और इस पर प्योर चांदी के लीव्स लगाए जाते हैं। ये पेंटिंग मैंने सबसे पहले इस पर बैकग्राउंड लगाई है पर्पल कलर की, डार्क और लाइट पर्पल, ठीक है। उसके बाद मैंने इस पे ये चांदी के लीव्स लगाए। हम 2-3 दिन उसको छोड़ते हैं तो उसका कलर चेंज होता है, तो वो जो कलर चेंज होता है वो बहुत खूबसूरत लगता है वो पेंटिंग में। इस्लामिक कैलीग्राफी में बहुत ज़्यादा खत होते हैं, इतने ज़्यादा होते हैं कि वो सारे एक आर्टिस्ट जो है ना अपनी ज़िंदगी में सारे नहीं सीख सकता। इसमें मैंने ख़त शिकस्ता और ख़त मुअल्ला को दोनों को मिला के एक ख़त बनाया, उसमें मैंने ये सारा लिखा है, सूरह काफ लिखी है। गवर्नमेंट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनी है, तकरीबन 9x16 फीट की। इतनी बड़ी पेंटिंग मुझे ऐसे लगता है कि जैसे उस पेंटिंग के अंदर एक स्टोरी है पूरी, उसके कलर्स, उसके थीम, उसको देखते देखते मुझे ऐसे लगता है मैं उसमें खो जाती हूँ। तो अभी ये इसमें बॉर्डर बन रहा है, अभी ये सारे कलर्स होंगे, तो अभी इसमें काफ़ी काम है। सबसे ज़्यादा सूरह रहमान में पेंटिंग्स बनाई हैं, सूरह रहमान लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और उसमें तो सुनने में भी शिफा है, लोग उसको घर में लगाना भी पसंद करते हैं। जैसे ये जो पेंटिंग पड़ी है ना, ये वाली, ये 6 लाख की है। यही जो गैलरी वाले हैं ना, वो इसको 3 गुना करके सेल करते हैं। जो रियल पेंटिंग होती है ना, उसकी जो वैल्यू होती है अगर घर में लगी, उसके साथ कुछ और ही बात होती है। ये ब्लैक लिख है, इसके ऊपर फिर एक और ब्लैक लिखेंगे, फिर वाइट लिखेंगे, फिर उसको नीट करेंगे, तो 4 दफ़ा इसको लिखते हैं। सूरह यासिन बहुत ज़्यादा लिखती हूँ, कुल शरीफ, अल्हम्दु शरीफ, आयतल कुर्सी। ये आयतल कुर्सी लिखी हुई है, ये ख़त शिकस्ता में मैंने ये सारी कैलीग्राफी की है, और इसमें ख़त शिकस्ता के साथ कूफी का भी है, टच मिक्स है। मैं कुरान पाक सामने रख के लिखती हूँ कि कोई गलती ना हो, लेकिन कभी ज़ेर ज़बर की गलती हो जाती है, लेकिन पेंटिंग बन रही होती है उसको बनाते हुए बार बार देखती हूँ तो फिर वो पता चल जाता है कहाँ गलती हुई। तो कैनवस पे आप बार बार कलर यूज़ कर सकते हो, उसको ठीक कर सकते हो। ग्रेजुएशन तो मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी में किया, साइकोलॉजी पढ़ना मेरा ये भी शौक था। आई फॉर आर्ट 2014 में मेरी पेंटिंग ऑक्शन हुई थी दुबई में, तो मैं इतनी खुश थी, और आई फॉर आर्ट को मैं मिन्नतें करती थी मेरी एग्जीबिशन लगा ले अमेरिका में। आज उन्होंने मुझे कॉल की और कहा कि हम आपकी एग्जीबिशन करना चाहते हैं, तो मैंने कहा मैं तो 10 तारीख को अमेरिका आ रही हूँ, तो मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। जो नए यंग जनरेशन चाहते हैं कि हम आर्टिस्ट बने,
हम इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिसमें ये एबिलिटी है और वो मेहनत करे तो वो कर सकता है।